नमस्कार। प्राचीन भारत के इतिहास में कई जगह अनेक स्त्री व्यक्ति रेखाएं जो शासक थी, अधिकारी थी, राजनी थी या कवयित्री थी, ऐसे महनीय स्त्री व्यक्ति रेखाएं इतस्तत बिखरी हुई है। इन सब को एकत्रित करके उनको उजागर करने का प्रयास भारतीय इतिहास संकलन समिति बुरेली भाग द्वारा हो रहा है। इसी श्रृंखला में आज मैं प्रभावती गुप्ता के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ। प्रभावती गुप्ता को समझने के लिए हमें थोड़ा गुप्त साम्राज्य और बाकाटका साम्राज्य के बारे में सोचना होगा। गुप्त साम्राज्य जो है, गुप्त काल का जो राज्य है वो पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था। प्राचीन भारत के सुवर्ण युग जिसे कहते हैं वो है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जो सौराष्ट्र और मालवा में राज्य करने वाले परकीय क्षत्रप थे उनके खिलाफ युद्ध छेड़ा। इस युद्ध में उन्होंने अपने निकटतम राज्य के वाकाटक साम्राज्य के सम्राट पृथ्वीसेन की सहायता मांगी थी। इसी सिलसिले में गुप्त सम्राट ने मैट्रिमोनियल अलायंस भी किया था, जिसके बारे में मैं चंद ही क्षणों में आपसे बताने वाली हूँ। गुप्त और वाकाटक की बलशाली सेना ने क्षत्रपों को परास्त कर दिया। गुप्त सम्राट ने मालव नगरी उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। इसी सिलसिले में सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती जी का विवाह पृथ्वीसेन के बेटे द्वितीय रुद्रसेन के साथ किया। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय नागवंश के राजकुमारी कुबेर नागा इस दंपति की कन्या थी प्रभावती। पुना के ताम्रपत्र में प्रभावती ने अपने माता का जिक्र किया है, नागकुल संभूता कुबेर नागा। यह एक पहला उल्लेख है जहां हमें नागकुल और गुप्ता की मैट्रिमोनियल अलायंस के बारे में पता चलता है और प्रभावती इस दंपति की पुत्री है यह सामने आता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने समकालीन वाकाटक साम्राज्य से मैट्रिमोनियल अलायंस किया था। दखन का वाकाटक साम्राज्य मालवा, उत्तर में गुजरात तथा दक्षिण में तुंगभद्रा तक फैला हुआ था। वाकाटक सम्राट की सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य का प्रभाव और फैलाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वाकाटक सम्राट पृथ्वीसेन की मदद ली। पृथ्वीसेन प्रथम शैव थे। उन्होंने अपनी राजधानी नंदीवर्धन यानी नगरधन बनाई, जो नागपुर से 28 मील दूरी तक जो रामटेक के पास है। यह जगह घुगुसगढ़ और भीवगढ़ से दुर्गांकित है। शायद इसी फोर्टिफिकेशन की वजह से इन्होंने यहाँ राजधानी बनाई थी। पूरा वाकाटक जो सम्राट है वो शैव मतानुयायी थे, लेकिन प्रभावती गुप्ता गुप्ता वंश की राजकुमारी होने से एक कट्टर विष्णु भक्त थी और उसी के प्रभाव से ही रुद्रसेन द्वितीय वैष्णव बने। रुद्रसेन के कार्यकाल में वाकाटक साम्राज्य का विकास हुआ। यह साम्राज्य एक विशाल, सुशासित और सुसंपन्न बना, लेकिन दुर्दैव से रुद्रसेन द्वितीय का अकाल मृत्यु ईस्वी सन 390 में आकस्मिक रीत्या हो गई। उनके निधन के बाद उनकी महिषी प्रभावती ने अपने दो नाबालिग पुत्र दिवाकर सेन जो 5 साल के थे और दामोदर सेन 2 साल के होने के कारण राज्यारोहण किया और राज्य की डोर संभाल ली। शायद इसमें उनके पिता का मार्गदर्शन भी मिला। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने अपनी बेटी प्रभावती को मदद करने हेतु अपने राज्य के कुछ प्रशासकीय अधिकारी भेजे थे, जिसमें उनके दरबार के नवरत्नों में से एक प्रख्यात कवि कुलगुरु कालिदास भी शामिल थे। प्रभावती का बेटा दामोदर सेन, जिसने प्रवर सेन द्वितीय का नाम लिया और जो ईस्वी सन 420 से 450 तक राज किया,
उनके अनेक अभिलेख अमरावती, वर्धा, नागपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, भंडारा, बालाघाट और मध्य प्रदेश में मिलते हैं। प्रवरसेन द्वितीय अपने पितामह और प्रपितामह की तरह शैव थे, लेकिन अपनी माँ प्रभावती के कारण इन्होंने प्रभु रामचंद्र जी के जीवन के एक महत्वपूर्ण घटना पर यानी सेतु बंध पर इसी नाम से एक प्राकृत काव्य रचा। लोग कहते हैं कि इसमें उनके मित्र महाकवि कालिदास ने उनकी सहायता की, लेकिन ये बहुत बाद की बात है। ये जो जब छोटे थे तब यानी ऑलमोस्ट 20 साल प्रभावती गुप्ता ने एक साम्राज्ञी की तरह राज्य शकट संभाला हुआ था। प्रभावती गुप्ता का व्यक्तित्व ही अनूठा था। वे एक स्वतंत्र प्रज्ञा की सर्वगुण संपन्न कुशल महिला थी। प्रभावती के पुनः ताम्रपत्र में गुप्ता वंश का गौरव के साथ उल्लेख पाया जाता है। रिद्धपुर ताम्रपत्र तथा मिरेगांव अभिलेखों में प्रभावती का धुरंधर राजनेत्री तथा कुशल प्रशासक तथा तेजस्वी सेनानी ऐसा जिक्र होता है। इन सभी अभिलेखों का अध्ययन करने के बाद प्रभावती गुप्ता एक स्वतंत्र साम्राज्ञी थी और एक कुशल प्रशासक थी, यह सामने आता है। रामटेक तथा रामगिरी के मंदिर दर्शन के समय प्रभावती ने एक लेख जारी किया था, उसमें उन्होंने वहां के स्वामी रामगिरी स्वामी का उल्लेख किया था। प्रभावती खुद एक विष्णु की परम भक्त थी। वही रामटेक में ही एक केवल नरसिंह मंदिर है। केवल नरसिंह मंदिर के अभिलेखों में प्रभावती स्वामी ऐसा उल्लेख किया गया है ऐसा कहा जाता है कि प्रभावती जी की बेटी ने यह मंदिर, केवल नरसिंह का मंदिर, अपनी माँ प्रभावती की स्मृति में यह मंदिर बनवाया था। 2 साल पहले नगरधन में उत्खनन किया गया। महाराष्ट्र राज्य का पुरातत्व विभाग और डेक्कन कॉलेज का पुरातत्व विभाग, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में यह उत्खनन किया गया। इस उत्खनन में एक महत्वपूर्ण प्रमाण मिला है। इस उत्खनन में एक मुद्रा मिली है, एक सीलिंग मिला है, वो प्रभावती का साम्राज्ञी करके स्टैम्प है, सीलिंग है। यह एक स्वतंत्र साम्राज्ञी होने का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है। वाकाटक की राजधानी नगरधन में उस उत्खनन में राजमहल के भी कुछ पुरावशेष मिले हैं। इस उत्खनन का अध्ययन अभी डेक्कन कॉलेज की टीम और राज्य स्टेट डिपार्टमेंट की टीम कर रही है। इस अध्ययन से शायद हमें और प्रमाणित हो जाएगा कि प्रभावती गुप्ता एक स्वतंत्र साम्राज्ञी थी। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि गुप्ता प्रभावती गुप्ता गुप्त वंश की राजकुमारी होने के कारण और गुप्त साम्राज्य की पूरी तरह मदद मिलने के कारण वह राज कर पाई, वह डॉयजर क्वीन बनी। लेकिन यह पूरा सच नहीं है। प्रभावती अपने अंगभूत गुणों के कारण आज एक राजकुमारी के लिए जो भी उन्होंने अध्ययन किया था, ट्रेनिंग मिली थी, उसके कारण अपने अधिकारियों के सहायता से जल्द ही राजनीति की डोर संभाल लेने लगी। अपने कुशल नेतृत्व से, कुशाग्र बुद्धि से, धीर गंभीरता से पति और पुत्र की अकाल मृत्यु होने के बावजूद भी न डगमगाए हुए सुदृढ़ता से उन्होंने राज्य का प्रशासन संभाला। वे एक यशस्वी साम्राज्ञी रही। उनके कालखंड में वाकाटक साम्राज्य अक्षुण्ण रहा और सुचारू रूप से चलाया गया। इसीलिए प्रभावती गुप्ता एक साम्राज्ञी थी, वाकाटक सम्राट के साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। 20 साल तक उन्होंने वाकाटक साम्राज्य की धुरा चलाई और अपने बेटे को उन्होंने अच्छी तरह ट्रेनिंग दिलवाई और बेटे को एक अच्छा राजा होने के लिए तैयार किया। तो वो एक स्वतंत्र व्यक्तिमत्व की स्त्री, एक साम्राज्ञी, एक माँ और एक कुशल प्रशासक, एक बुद्धिमान स्त्री थी। हम उसे सादर वंदन करते हैं। धन्यवाद।